जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बर्फ़ी बनाने का तरीका। तो बहुत ही आसान तरीका है बर्फ़ी बनाने के लिए। आप सबसे पहले खोया डालेंगे, खोए को थोड़ा सा गर्म करेंगे, खोए को एक मखसूस हद तक गर्म करें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखना, इसकी फ्लेम को थोड़ा लो रखें। आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें, खोए को नरम करना है तो नरम करने के लिए हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे कि हल्की फ्लेम पे उसे हिलाते रहेंगे, खोया नरम हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसमें डालेंगे चीनी, जब खोया नरम हो जाए तो उसके बाद इसमें चीनी डालेंगे और फिर इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो इसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें, कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, यह खुद ही मिक्स हो जाएगी। इसके लिए रेसिपी बिल्कुल एंड स्क्रीन पे, जैसे वीडियो ख़त्म होगी आपको रेसिपी रिटर्न फॉर्म में मिलेगी। आप वहाँ से रेसिपी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो जैसा कि ये 5 किलो खोए की बर्फ़ी बनाई जा रही है तो आप इसे कम करना चाहें तो 1 किलो खोया और उसी हिसाब से चीनी भी कम कर लें और घी और बाकी आइटम्स भी कम कर लें। आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें इसे, तो जैसा कि आपने देखा ये चीनी मेल्ट हो चुकी है, तो ये सारी मिक्स हो चुकी है इसमें। जी हिलाते रहें, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल यकजान हो चुके हैं खोया और चीनी। लिक्विड फॉर्म में आ चुका है खोया, लाते रहना है बिल्कुल ताकि नीचे से ना लगे। ये तो जैसे ही ये इस तक माया फार्म में आ जाए, कोई ऐसी चीज़ ले लें जिससे साथ साथ इसकी रगड़ाई होती रहे, जैसे हम मुशद्दी बोलते हैं जिसके साथ आप रगड़ाई की जा रही है, आप देख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे दोबारा से गाढ़ी होती जा रही है, ये जो बिल्कुल माया फॉर्म में आ गया था अब दोबारा से खोया गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। जी अब इसे उतार के
हिलाएं, ठंडी करें और इसकी रगड़ाई करें थोड़ी देर के लिए। जी जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसकी रगड़ाई की जा रही है। अच्छी बर्फ़ी बनाने के लिए जितनी ज़्यादा आप उसे रगड़ेंगे, रगड़ाई करेंगे उसकी, इतनी अच्छी बर्फ़ी तैयार होगी। ऐसे हिलाते रहें, साथ साथ ये ठंडी भी होती जाएगी और इसकी रगड़ाई भी होती रहेगी। एक मशीन भी यूज़ होती है इसकी रगड़ाई के लिए, अगर मशीन घर में अवेलेबल हो तो उससे रगड़ाई की जा सकती है, या फिर ऐसे ही कोई भी मुशद्दी लेकर उसके साथ रगड़ाई करें। जी अब इसमें घी शामिल करेंगे। अब तक ये घी, चीनी और खोया तीन ही आइटम्स हैं हमारे पास, तो घी शामिल करने के बाद इसे फिर रगड़ाई करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें, लास्ट पे आपको मुकम्मल तौर पे तैयार बर्फ़ी मिलेगी। और जैसे ही इसकी रगड़ाई हो जाए, थोड़ी सी जम जाए, तो इसे निकाल लें, किसी सांचे में, किसी गहरे बर्तन में निकाल लें। हस्ब ज़रूरत आप इसमें इलायची शामिल कर सकते हैं, इलायची का पाउडर, और उसके अलावा अगर बादाम और कोई भी चीज़ मिक्स करना चाहें, ये तो बिल्कुल सादा बर्फ़ी है, तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जब ये एक सांचे में डालेंगे तो उसे अच्छी तरह से प्रेस कर देना है, और प्रेस करने के बाद ऊपर थोड़ा थोड़ा घी लगा दें। बिल्कुल प्लेन कर दें ऊपर से। तो ये बर्फ़ी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है, इसे रख दें। और जैसे ये ठंडी हो जाए, जैसा कि अब ये ठंडी हो चुकी है, तो इसे काट लेना है छोटे छोटे पीसेस में। छोटी टुकड़ियों में काट के इस्तेमाल करें। बहुत ही लजीज किस्म की ज़बरदस्त बर्फ़ी तैयार हो चुकी है, और ऐसे ही आप लजीज बर्फ़ी घर में बना सकते हैं, किसी भी वक्त बना सकते हैं। हमारे पास ये चूँकि बहुत मशहूर बर्फ़ी है हमारी, तो हमने ये फार्मूला आपको दे दिया है। आप इसको ट्राई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियोज़ आपको दिखाते रहें मुख्तलिफ़ आइटम्स की। शुक्रिया।